स्टूडेंट क्लास टेंथ का सीबीएसई सैम्पल पेपर 2022 सेशन सेक्शन बी स्टार्ट कर रहे हैं इसका हम। तो देखिए इसके अंदर 5 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच। तो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 21। अब इसमें क्या है, 49x प्लस 51y इक्वल टू 499 है एंड 51x प्लस 49y 501 है और आपको x एंड y फाइंड करना है। तो ये हमें दिख रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए हमें x और y सॉल्व करना है। तो वैसे तो हम एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, बट यहाँ पे आपको एक स्पेशल क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये जो एक्स के साथ 49 है इस साइड वाई के साथ है एंड सेम ऐसे वाई के साथ जो 51 है वो इस साइड एक्स के साथ है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में से, तो इसके लिए आप एक तरीका यूज़ करेंगे। देखिए कैसे करना है। तो क्वेश्चन है आपके पास 49x प्लस 51y इक्वल्स टू 499 एंड नेक्स्ट इक्वेशन है इसकी 51x प्लस 49y इक्वल्स टू 501। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए जब भी आपको ये इसके साथ दिखे और यहाँ वाला इसके साथ दिखे तो एलिमिनेशन मेथड मत लगाना, बहुत लेंदी हो जाएगा वो। उसमें तो आप क्या करते हो, इस वाले 51 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हो और इस 49 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हो, तो वो भी ठीक है तरीका, बट उससे बहुत लेंदी हो जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसके लिए कैसे क्या करना है आपको, मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, आप पहले इन दोनों इक्वेशन को ना ऐड कर दीजिए। ऐड करने का मतलब हमें नीचे वाले जो इक्वेशन है इसके साइन नहीं चेंज करने, ठीक है। ऐड करने का मतलब डायरेक्ट इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखिए प्लस प्लस है ना, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, तो 100x हो जाएगा। ये भी प्लस प्लस है तो ये 100y हो जाएगा, साइन भी प्लस का आएगा एंड ये भी प्लस का और ये भी प्लस का है, तो प्लस कर देंगे 9 × 10 = 10,000, ठीक है। तो जब भी हम फर्स्ट टाइम हम क्या कर रहे हैं, एडिंग फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, तो जब हम ऐड करते हैं तो नीचे वाले इक्वेशन के साइन नहीं बदलते, ठीक है। अब आपको दिख रहा है 100 100 100, सब में से कॉमन निकल सकता है, तो आप कॉमन निकाल लीजिए। तो इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, 100 वन टाइम्स में आता है ना, तो 1x हो जाएगा, ये 1y हो जाएगा और इसको आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 20 कैंसिल, 10 बचेगा, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इन्हीं इक्वेशंस को, ये जो 1 और 2 इक्वेशंस है इनको माइनस भी करेंगे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, या फर्स्ट फ्रॉम सेकंड भी लिख सकते हो। तो सेकंड फ्रॉम फर्स्ट का मतलब फर्स्ट ऊपर आनी चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, फिर से इन इक्वेशंस को लिखेंगे, ठीक है। अब ये आपके पास इक्वेशन 1 थी और इक्वेशन 2 थी, अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखिए एक प्लस का और एक माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 2x बचेगा, साइन बढ़ेगा इनमें से, ये बड़ा है तो इसमें कौन सा साइन है, प्लस का नहीं, इसमें माइनस का साइन है। ये भी प्लस माइनस माइनस, तो 2y बचेगा और साइन बढ़ेगा, इसमें कौन सा बड़ा, ये वाला नंबर, तो इसमें प्लस का साइन है। सेम ऐसे प्लस माइनस माइनस, अब देखिए यहाँ भी कौन सा साइन लगेगा, जिस जो बड़ा नंबर है इसमें कौन सा साइन लगा हुआ है माइनस का, तो आप क्या देख रहे हैं, 2 2 2, सब में से कॉमन निकाल सकते हैं आप, तो 2 से सबको डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो x बचेगा माइनस का, 2 1 2 y बचेगा और 2 1 2, तो माइनस का 1, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी आपके पास। अब आप देखिए इक्वेशन 3 और 4 बहुत सिंपल आ चुकी है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हमें यही ट्रिक लगानी है, पहले ऐड करना है दोनों इक्वेशन को, कॉमन लेके डिवाइड कर देना है, सब्ट्रैक्ट करना है, उसके बाद फिर से कॉमन निकल रहा है तो डिवाइड कर दीजिए उस कॉमन नंबर से। अब इन दो इक्वेशन को, ये जो नई इक्वेशन आई है हमारे पास 3rd और 4th, उसको आपको सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को मैं इसी के साथ लिख देती हूँ, ये है हमारे पास x प्लस y इक्वल टू 10। अब देखिए इसे हम इजीली सॉल्व कर लेंगे, देखिए x से x कैंसिल हो रहा है क्योंकि एक माइनस का और एक प्लस का है, तो ये डायरेक्ट ही कैंसिल हो रहा है ना, कैंसिल हो जाएगा। अब ये प्लस प्लस प्लस, तो प्लस प्लस 1 और 1 कितना होता है 2y, और ये माइनस का और ये प्लस का है तो ये कितना हो जाएगा 10 - 1 9, ग्रेटर तो 10 का है तो प्लस का साइन लगेगा, तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 9/2, ये 2 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब y की वैल्यू आपके पास, ये एक मिनट, 499501, हाँ ठीक है, तो ये कितना आ गया 9/2। अब आप क्या करेंगे,
वाई की वैल्यू या तो आप इस इक्वेशन में रख दीजिए या इस इक्वेशन में रख दीजिए, ठीक है। तो इसे आपको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए वाई अगर 9/2 है तो इसमें रख देते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है ना, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको। तो वाई तो हमें मालूम चल गया ना कितना है, 9/2। एक्स एज इट इज़ वाई की प्लेस में 9/2 इक्वल्स टू 10, तो एक्स निकालना है। तो 10 में से ये 9/2 यहाँ के माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए 10 एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि फ्रैक्शन बन रहा है। तो 2 10 जा 20 माइनस, यहाँ देखिए 1 2 जा पे आता है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, और ये 2 1 जा पे आता है ना 2 एलसीएम, तो इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9। तो ये फ्रैक्शन तो सबको सॉल्व करने आते होंगे, 20 - 9 11/2। तो x की वैल्यू आ गई 11/2 और y की वैल्यू आ गई 9/2, ठीक है। तो ये आपके आंसर होंगे। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 22। तो इसमें क्या है, आपको ये ट्रायंगल चैप्टर में से दिया हुआ है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखेंगे। तो इसका ट्रायंगल का शेप बना लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में हमको एक तो AD अपॉन AE इक्वल टू AC अपॉन BD गिवन है, AD अपॉन AE AC अपॉन BD, ठीक है। और एक एंगल वन एंगल टू के इक्वल दिया हुआ है, और आपको ये जो ट्राइंगल्स है एक BAE और एक CAD सिमिलर प्रूव करने हैं। तो सबसे पहले तो आपको एंगल वन एंगल टू के इक्वल दिया हुआ है ना ये वाला एंगल इसके, तो जब भी एंगल्स इक्वल हो सामने वाले तो उनके अपोजिट जो साइड्स होती है वो भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो ये देखिए ये अगर इसके इक्वल है ना इस वाले ट्राइंगल में, तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो जानी चाहिए। तो ए बी इक्वल टू बी डी, तो इससे तो आपने ये जो गिवन था आपको यहाँ से आपने ये फाइंड कर लिया। तो आप लिख सकते हैं साइड अपोजिट साइड इक्वल साइड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, ये आप लिख लेना। अब देखिए ये जो आपने निकाला है उसको आप यहाँ यूज़ कर लीजिए। एक और ये भी तो गिवन है ना, ए डी अपॉन ए ई इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी डी। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए बी डी के प्लेस में क्या रिप्लेस कर सकते हैं, ए बी। तो बी डी के प्लेस में हम ए बी रिप्लेस कर देंगे क्योंकि हमने लिखा है ना ए बी ए डी के बी डी के इक्वल है ना, प्रूफ किया है। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि जब हमें ये वाला दिया था ना तो ए डी तो इस ट्रायंगल की साइड थी बड़े ट्रायंगल की, और फिर इसके साथ छोटे ट्रायंगल की क्या ली थी, ए ई ली थी। बट इस वाले साइड में देखिए बड़े ट्रायंगल की तो ए सी ली है, बट छोटे ट्रायंगल की ए बी लेनी थी ना, जबकि इन्होंने कौन सी साइड ले ली, ए बी सॉरी बी डी। तो हमें बी डी को रिप्लेस करना पड़ेगा ए बी से, क्योंकि ए बी बी डी के क्या है, इक्वल है। अब आपको दिख रहा है कि एक साइड ए डी ली है तो इस छोटे वाले की ए ही ली है, फिर बड़े की हमने ए सी ली है तो छोटे वाले की क्या ली है, ए बी। तो एक तरह से ये ट्राइंगल्स के रेशो इक्वल हो रहे हैं ना, बड़े ट्राइंगल का ए डी इसके रेशो के साथ छोटे ट्राइंगल के, फिर इसका ये इसके रेशो के साथ, है ना। और एक अब देखिए इस अगर ये ए डी और ए सी को मैं देखूँ तो ए डी और ए सी में कौन सा एंगल है जो बीच में आ रहा है, ये एंगल वन एंगल ए आ रहा है ना, तो एंगल ए भी तो कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में, इसमें और बड़े वाले में, तो एंगल ए क्या है, कॉमन। तो हम लिख सकते हैं ये कौन से दो ट्राइंगल लिए हमने, इन ट्राइंगल बी ए ई एंड दूसरा क्या लिया है, सी ए डी। देखिए मैंने इसको बी ए ई से घुमाया ना, तो इसको कैसे घुमाएंगे, सी ए डी से, क्योंकि एक इसमें भी बीच में आया और तो इसमें भी बीच में आना चाहिए, तो ट्राइंगल सी ए डी। तो जब दो रेशो बराबर हो और उन साइड्स के ये वाली साइड और इस साइड के बीच का एंगल बराबर हो, ठीक है, कॉमन हो, तो दो ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो ट्राइंगल बी ए ई क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल सी ए डी के, ठीक है, साइड एंगल साइड। तो ये सिमिलैरिटी की थ्योरम होती है, जब दो रेशो बराबर हो और उनके बीच का एंगल बराबर हो तो ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए।